चीते का सोने का कड़ा। एक बार की बात है, जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था। पास के गांव से रहने वाले लोग उसी जंगल के रास्ते से दूसरे गांव आया जाया करते थे। एक दिन एक धनवान सौदागर इस जंगल से गुजर रहा था। वो अपनी कलाई में असली सोने का कड़ा पहना था। एक चीता रास्ते के किनारे ऊंची झाड़ियों में छुपा हुआ था। सौदागर ने उसे नहीं देखा। जब सौदागर थोड़ा करीब आया तो चीते ने उसे मार डाला और सौदागर का मांस खा लिया। चीते को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस सोने के कड़े का क्या करे, तो उसे चीता ने अपने पास रख लिया। इस घटना को बीते कई बरस हो गए। वो चीता बूढ़ा और कमजोर हो गया। वो शिकार भी नहीं कर सकता था। वो खाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तब उसे उस सोने के कड़े का याद आया। उसने सोचा, मैंने सुना है कि आदमी सोने के बहुत दीवाने होते हैं। मुझे इस बात को निश्चित करना है। शायद मैं इस कड़े से गुजरने वाले लोगों को फांस सकूं और मार के खा सकूं। इस तरह मुझे खाने को मिल जाएगा और बाकी की जिंदगी अच्छी तरह कटेगी। चीते ने सोने के कड़े को लिया और जंगल के रास्ते पर बैठ गया। चीता बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उधर से कोई भी न गुजरा। बहुत देर बाद एक चालाक लेकिन गरीब आदमी गोपाल उधर से गुजर रहा था। जब वो उधर से गुजर रहा था तो उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई दी। मेरे प्यारे आदमी, क्या तुम रुकोगे और मेरी बात सुनोगे? गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे पेड़ और झाड़ियों के पास कुछ न दिखा। तब उसकी आंखों ने घास की तरफ देखा। वो एक कदम उस तरफ आगे बढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ जब घास से चीता बाहर निकल कर आया। गोपाल डर गया और एक कदम पीछे हटा। तब चीते ने कहा, मेरे दोस्त, मुझसे मत डरो, यहाँ आओ और सोने का कड़ा ले जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम एक जंगली जानवर हो, एक जानवर। कैसे मैं तुम्हारे पास आके अपनी जिंदगी खत्म करूं? मेरे दोस्त, तुमने जो कहा वो सच है, क्योंकि हर कोई जानता है कि चीता खतरनाक जानवर होता है। लेकिन मेरी हालत तो देखो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे नुकीले नाखून भी नहीं रहे। जिंदगी में मैंने बहुत सारे जानवरों और आदमियों को मारा है। अब मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंसक स्वभाव छोड़ दिया है और प्रायश्चित के रूप में मैं ये सोने का कड़ा किसी आदमी को देना चाहता हूँ। तुम किस्मत वाले हो जो इस रास्ते से जा रहे हो। अगर इस चीते ने हिंसक स्वभाव छोड़ दिया है तो इसके पास जाने में मुझे कोई खतरा नहीं है। वैसे भी मैं एक गरीब आदमी हूँ। जो सोने का ये चीज चीता मुझे देना चाहता है, उससे बहुत सारा धन मिलेगा और मैं अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ। गोपाल के दिमाग में लालच आ गई और उसके सोचने की ताकत भी खत्म हो गई और वो चीते के पास चला गया। उस चीते ने करीब आने तक उसका इंतजार किया और करीब आते ही उसने गोपाल पर हमला कर दिया। गोपाल फौरन मर गया और चीते को बढ़िया खुराक मिल गई उस दिन। ये आदमी सच में बेवकूफ निकला। एक छोटे से सोने के कड़े ने उसे लालची बना दिया और उसके सोचने की ताकत भी खत्म कर दी। इस आदमी ने यह साबित कर दिया कि अब मैं इसी तरीके से इधर से गुजरने वाले लोगों को मारूंगा। वो इस तरह रोज करने लगा और खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस कहानी की सीख ये है, बच्चों, लालच के गुलाम कभी ना बनो। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं।